तो गाइज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं किंग कॉन्ग की कहानी, कैसे उसने अपने जिंदगी के 99 साल काटे, उसके जिंदगी के उतार चढ़ाव और उसने किन किन मुसीबतों का सामना किया। तो सभी लोग एक साथ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइज यार बहुत ही खतरनाक भूख लगी है, सबसे पहले जाके कुछ खाता हूँ, लगता है आज भी फ्रूटी खाने पड़ेंगे, उसके सिवा तो घर पे कुछ है भी नहीं। एक मिनट, अब ये क्या चीज है गाइज? अबे इतनी बड़ी आफत घर के सामने कैसे आ गई? ये कुछ ज्यादा ही देखा देखा लग रहा है। शिनचैन और चॉप को पता होगा, उनसे जाके पूछता हूँ, पर ये दोनों है कहाँ पर? जल्दी जल्दी जाते गाइज, ये रहे वो दोनों जन, जल्दी से नीचे की तरफ जाते गाइज, ये लगाई मैंने जंप। अबे शिनचैन ये सब क्या चल रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो ना, किंग कॉन्ग आया है। हाँ भे, तभी मैं बोलूं कि इतना देखा देखा क्यों लग रहा है ये? वैसे ये यहाँ पर क्या कर रहा है तेरे को पता है ना? इतने खुले में घूमना इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरे मुझे कैसे पता होगा, मैंने थोड़ी ना बुलाया है। मुझे तो लगता है ये घूमने फिरने के लिए आया होगा। मैं घूमने फिरने के लिए नहीं आया, मुझे बहुत ही अकेला अकेला फील हो रहा था तो मैंने सोचा तुम लोग से जाके मिल लेता हूँ। अरे फिर तो तुम बहुत ही गलत जगह आए हो, क्योंकि फ्रैंकलिन भैया की शक्ल देख के तो तुम्हारा दिन और भी खराब जा सकता है। मुंह बन रख अपना शिनचैन, कुछ भी बोलता है। हाँ नहीं तो वैसे किंग कॉन्ग अच्छी बात है कि तुम हमसे मिलने आए, पर कुछ तो बात होगी ना, इतने मायूस क्यों लग रहे हो? मुझे मेरे मम्मी की याद आ रही है। क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे इतने उदास मत हो, हम लोग है ना तुम्हारी फैमिली। मेरी मम्मी के साथ बहुत ही गलत हुआ था। ऐसा भी क्या हुआ था? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अरे पर क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैं जब भी वो बात बताने जाता हूँ मुझे रोना आ जाता है। अच्छा अच्छा बाबा मत बता, बस रोना मत, मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में बाढ़ आए। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? अरे एवेंजर हमें बता सकते हैं कि किंग कॉन्ग की मम्मी के साथ क्या हुआ था। अबे शिनचैन ये क्या बोल रहे तू, उनको कैसे पता होगा इसके बारे में? अरे मुझे लगता है भूल गए हो, उनके पास एक टाइम मशीन है। अबे हाँ बे, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अरे दिमाग होगा तो आएगा ना, तो फिर से शुरू हो गया। अरे ये सब छोड़ो और जल्दी से टोनी भैया को फोन करो। हाँ अभी करता हूँ, ये लगाया मैंने फोन। और ये तो फ्रैंकलिन का फोन है, जल्दी से उठाता हूँ। हेलो टोनी। हाँ बोलो ना फ्रैंकलिन। अरे एक मदद चाहिए थी तुमसे। कैसी मदद? एक जन के पास्ट के बारे में जानना है। किसके पास्ट के बारे में? अरे वो अपना किंग कॉन्ग नहीं है, उसको अपने मम्मी की बहुत याद आ रही है और वो बता भी नहीं रहा है कि क्या हुआ था उनके साथ। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ तो फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से, तुम एक काम करो वो टाइम मशीन वाला सेटअप लगा के रखना। अरे पर फ्रैंकलिन इतना बड़ा किंग कॉन्ग मेरे घर के अंदर आएगा कैसे? अबे हाँ भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ पर जल्दी से पहुँचो किंग कॉन्ग को लेके। अच्छा ठीक है अभी पहुँचता हूँ। शिनचैन चॉप तुम दोनों मेरे साथ आओ और किंग कॉन्ग तो हमारी गाड़ी का पीछा करते हुए आ जा। अच्छा ठीक है। अरे चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ दोनों फटाफट। तो गाइस जल्दी से जाते गाड़ी के अंदर। अबे यार कहाँ रह गए? अरे ये हम आ गए, तो चलो अब निकलने का टाइम आ चुका है। अरे पर इतना बड़ा किंग कॉन्ग उनके घर के अंदर कैसे घुसेगा? अरे शिनचैन हम लोग उनके घर पे नहीं जा रहे। अरे तू फिर कहाँ पर जा रहे हो? टोनी ने कोई तो लोकेशन भेजी अपने को, वहीं पे जाना है। अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे ये किंग कॉन्ग तो बहुत ही स्पीड भागता है। अबे चॉप कम से कम उसका साइज तो देख ले। अरे हाँ ये बात भी है। ये बात भी है नहीं, यही बात है। अरे कितना अजीब है ना, इतना बड़ा किंग कॉन्ग हमारी छोटी गाड़ी के पीछे भाग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा बच्चा खिलौने के पीछे भाग रहा है। हाँ बस ये बच्चा थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। अरे तुम सामने देख के गाड़ी चलाओ ना, वैसे भी तुम्हारी ड्राइविंग पे मुझे कुछ खास भरोसा नहीं है। मुझे पता है कैसे गाड़ी चलानी है, मेरे को मत सिखा। अरे मुझे लगता है हम लोग पहुँच चुके हैं। तुझे कैसे पता चला? लोकेशन तो यही की है। अरे क्योंकि मुझे सामने वो लोग दिखाई दे रहे हैं। लग तो वही रहे पर पता लगाने का एक ही तरीका है, जल्दी से जाते उनके पास। फटाफट भागते गाइस और ये मैं पहुँच गया। अबे यार शिनचैन ने तो एकदम सही कहा था, ये तो अवेंजर ही है। भाई साहब यार गजब सेटअप किया इस बार तो इन लोग ने, एक दो मशीन तो मुझे नई भी लग रही है। और फ्रैंकलिन तुम आ गए? मैं तो आ गया, मेरे पीछे देखो और कौन आया है। और कैसे हो किंग कॉन्ग? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। अरे ये क्या है जो गोल गोल घूम रहा है? इसे तुम एक टाइप का एंटीना समझ लो, ये सिग्नल को कैच करता है। अच्छा इसी बात है क्या? वैसे ये क्या इतना बड़ा सा? ये वही स्क्रीन है जिसमें आज हम देखने वाले है। क्या बात कर रहा है, इतनी बड़ी स्क्रीन? हाँ तो किंग कॉन्ग का साइज भी तो बड़ा है ना, उसे इतनी छोटी स्क्रीन में थोड़ी दिखाई देगा। भाई ये बात तो सही है तेरी, पर तेरे को मानना पड़ेगा। गाइस यार टोनी ने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा सेटअप लगाया, जल्दी से इसके लिए एक लाइक कर दो। अरे तो फिर हम लोग शुरू करें क्या? थोड़ा जरा यहाँ पर आना। अच्छा ठीक है आता हूँ। बोलो क्या हो गया? मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना क्या करना है। मैं तुम्हें जब भी बोलूँ तुम्हें ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है काम हो जाएगा। फ्रैंकलिन आ जाओ मेरे पीछे पीछे। अच्छा ठीक है अभी आया। कॉन्ग तुम भी आ जाओ, मुझे तो यही से दिख जाएगा। तो तुम सब लोग तैयार हो? मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। अरे मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, मैं तो ये सब पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो थोर तुम भी तैयार हो? हाँ मैं भी तैयार हूँ। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम सब लोग मिलकर किंग कॉन्ग की स्टोरी देखते हैं। थोर दबा दो बटन। अच्छा ठीक है अभी दबाता हूँ। ये दबा दिया मैंने बटन। अरे ये क्या हो रहा है, इसमें से तो बिजली निकल रही है। अरे चुप, ये सब ऐसे ही शुरू होता है, तुम बस आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। अरे ये क्या हो रहा है?
ये कहानी है किंग कॉन्ग की, जो कि अभी एक छोटा सा बच्चा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जा कहाँ पर रहा है, तो इससे आपको क्या, अपना अपना काम कीजिए, दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते। अरे अरे रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था, ये अपनी बीमार माँ से मिलने जा रहा है। अब देखिए आगे, जल्दी से जाता हूँ अपनी मम्मी के पास। अरे ये लोग कौन है, ये कहीं मेरी मम्मी को नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे, अभी मारता हूँ इन्हें। ये ले, मेरी मम्मी कहाँ पर गई, यहीं पर तो थी। हिरन दादा से जाके पूछता हूँ, हिरन दादा आपने मेरी मम्मी को देखा क्या? हाँ वो इस साइड है। अच्छा ठीक है, थैंक यू, अभी जाता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ मेरी मम्मी के पास। ये रही मेरी मम्मी। अरे ये शेर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मेरी मम्मी को नुकसान ना पहुँचा दे। ये ले, तू भी ले, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। अरे ये वापस से खड़ा हो गया। ये ले, मेरी मम्मी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अरे मम्मी आप ठीक हो ना? हाँ बेटा। अरे ये गोली कौन चला रहा है, ये तो इंसान है। जल्दी जल्दी जाके छुपता हूँ कहाँ पर। बेटा जल्दी से भागो। मम्मी आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को बचाओ। जल्दी जल्दी जाके यहाँ पर छुप जाता हूँ। अरे ये तो मेरी मम्मी को गोली मार रहे हैं, अभी जाके बताता हूँ इन्हें। ये ले, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से, मेरी मम्मी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये ले। अरे ये लोग तो किंग कॉन्ग और उसकी मम्मी को परेशान कर रहे हैं। इन्होंने मेरी मम्मी को बहुत गोलियां मारी थी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अरे ये लोग तो और भी ज्यादा आ गए, मुझे लगता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। जल्दी जल्दी भागता हूँ यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरी मम्मी के साथ क्या होगा। अरे ये तो मेरी मम्मी को उठा के जा रहे हैं। रुक जाओ, मेरी मम्मी को छोड़ दो, प्लीज मेरी मम्मी को छोड़ दो। ये वो जगह है जहाँ पर आर्मी वालों ने किंग कॉन्ग की माँ को उठा लिया था, और वो उसे वहाँ पर लेके जा रहे थे जहाँ पर जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ताकि वो ये पता लगा सके कि ये जानवर इतना बड़ा कैसे हो गया। और छोटा किंग कॉन्ग अपनी मम्मी को चिल्लाते हुए उनके पीछे भाग रहा था, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। अरे छोड़ दो इन्हें, कहाँ पर लेके जा रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ये तो बहुत ही ऊपर है, मुझे कैसे भी इन्हें बचाना होगा। अरे बेचारा किंग कॉन्ग, अबे कितनी हवा में उड़ा लिया इसकी माँ को, तो इन लोग को थोड़ी भी दया नहीं आई। मैं आ रहा हूँ मम्मी, जल्दी से इस बोट मैं बैठ जाता हूँ, इसी से पीछा करता हूँ उनका, जल्दी जल्दी जाता हूँ। तुम लोग मेरी मम्मी को कहीं पे लेके नहीं जा सकते, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम लोगों ने बहुत ही गलत किया है, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब हमारा छोटू सा किंग कॉन्ग बिल्कुल डर गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, करूँ तो करूँ क्या। फिर भी उसने अपनी पूरी ट्राई की। और हाँ, मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, बेजुबान जानवरों को मारना पाप है, अपने आसपास के जानवरों की रक्षा करें और हो सके तो उनकी मदद। अरे अब किंग कॉन्ग क्या करेगा, जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना शिनचैन, वो अपनी मम्मी का पीछा करते हुए जा रहा है। मैंने अपनी मम्मी को ढूंढने की बहुत ट्राई की, पर उसके बाद एक बोट वाला मेरे पीछे लग गया। अरे ये तो खुद भी एक आर्मी वाला लग रहा है, पता नहीं वो कौन था। अरे ये कौन आ गया, जल्दी जल्दी भागता हूँ यहाँ से, ये तो गोली चला रहा है। ये सब लोग कौन है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये हमारे पीछे क्यों पड़े है। किनारा आने वाला है, जल्दी से जाता हूँ, यहीं पे रुक के बाहर निकल जाता हूँ। अरे ये क्या हो गया, जल्दी उठ के भागता हूँ, ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है। अरे ये तो इसका पीछा कर रहा है। शिनचैन पीछा नहीं कर रहा, खाली वो गोली भी मार रहा है। अरे मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे खाली अपनी मम्मी के पास जाना है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। इन लोगों से जाके मदद मांगता हूँ, मुझे कोई बचाओ, ये मुझे गोली मार रहा है। अरे ये लोग तो मुझसे भाग रहे हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा तुमको, मैं एक अच्छा जानवर हूँ, मैं थोड़ी ना इंसान हूँ जो बेमतलब किसी को भी मार दूँ। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे ये सारे लोग तो किंग कॉन्ग से डर के भाग रहे हैं, यहाँ पर तो और भी ज्यादा लोग आ गए, मुझे लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जल्दी जल्दी इनकी गाड़ी के पास जाता हूँ, इससे पहले कि ये लोग मुझे मार दे। फटाफट भागता हूँ, चलो मैं पहुँच गया, फटाफट गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, निकल बाहर। अरे तुम्हें तो गाड़ी भी चलाने आती थी। हमारी जाति के बंदर बहुत ही स्मार्ट होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी जल्दी जाता हूँ कहीं पर, नहीं तो ये लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। मुझे जाके कहीं पे छुपना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी मम्मी को कैसे ढूंढूंगा। इस साइड चला जाता हूँ, ये पूरा रास्ता खाली लग रहा है। अच्छा हुआ ये गाड़ी मिल गई मुझे, नहीं तो मैं भाग ही नहीं पाता। अरे यहाँ पर तो पुलिस भी आ गई। यहाँ पर हमारा छोटू किंग कॉन्ग कैसे भी बचते बचाते छुपने की कोशिश कर रहा है, पर उसके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आई। कभी पुलिस वालों ने तो कभी आर्मी वालों ने उसका रास्ता रोका, पर उसने कैसे भी करके उनसे पीछा छुड़ा लिया और एक जगह पे जाके छुप गया। अरे मुझे ये जगह ठीक लग रही है, यहाँ पर जाके छुप जाता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ। एक काम करता हूँ, इस खटारा बस में जाके छुप जाता हूँ, यहाँ पर कोई नहीं ढूंढेगा, और मुझे बहुत टाइम तक यहीं पे छुपे रहना पड़ेगा। अब आता है कहानी का दूसरा चरण। दिन बीते, महीने बीते, और देखते देखते कुछ साल बीत गए। अब हमारा छोटू सा किंग कॉन्ग थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। कुछ सालों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद उसने पूरी तैयारी कर ली, उसने कुछ हथियारों का बंदोबस्त किया और साथ ही अपनी माँ का लोकेशन पता कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आखिर में इतनी मेहनत के बाद मुझे मेरी माँ का लोकेशन पता चली गया। मैंने बहुत सारे हथियार जमा कर लिए हैं, अब मुझे उन्हें छुड़ाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं उन सब से बदला लूंगा जिन्होंने मेरी माँ को नुकसान पहुँचाया है। अरे किंग कॉन्ग तो पहले से बहुत ही बड़ा हो गया, तो शिनचैन वो हमेशा थोड़ी ना छोटा रहेगा। अरे इसने तो एकदम ढासू बॉडी बना ली है। ये मेरी सालों की मेहनत का नतीजा है, मैंने इस दिन के लिए बहुत प्रैक्टिस की थी।
जी। अच्छा ऐसी बात है क्या? अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, जल्दी जल्दी जाता हूँ, मुझे कैसे भी मिलिट्री बेस तक पहुँचना होगा। अरे ये तो मिलिट्री बेस जा रहा है, वहाँ तो बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। खतरा तो होता है शिनचैन, और उसकी माँ भी तो वहीं पर है। अरे कितना मजबूर लग रहा है हमारा किंग कॉन्ग। मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ, मुझे तैयार रहना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है। ये रहा सामने मिलिट्री बेस, बस कैसे भी करके अंदर पहुँच जाऊँ। ये ले, एक को तो मैंने मार दिया है, पता नहीं अंदर और कितने होंगे। आज तो मैं अपनी माँ को लिए बिना नहीं जाऊंगा। अरे ये लोग तो आ चुके हैं, दो गाड़ियाँ तो आ गई है यहाँ पर, मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मेरी गाड़ी फोड़ देंगे। अभी मारता हूँ उन्हें। ये ले, ये भी ले, तुम सब तो गए आज मेरे हाथ से, आज मैं बदला लेके रहूंगा। अरे ये लोग तो बहुत ही ज्यादा है, मैं कैसे भी करके इन्हें संभाल लूंगा, मुझे एक अच्छे खासे हथियार की जरूरत है। ये ले, ये तो गए, और मारता हूँ, ये बचना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी भागता हूँ यहाँ से। अरे सामने दो और आ गए, ये लो। अरे इनके पास तो काफी खतरनाक हथियार है, मुझे लगता है मुझे कुछ और करना पड़ेगा, तुम तो गए मेरे हाथ से। एक काम करता हूँ, इन पे बम फेंक के मारता हूँ। ये लो, और ये एक और लो, ये भी खाओ। कब तक बचोगे मेरे हाथ से? आज तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, तुमने जो किया तुम्हें उसका पछतावा होगा। ये ले मिसाइल खा, ये ले तू भी खा। अरे किंग कॉन्ग तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार रहा है, मानना पड़ेगा किंग कॉन्ग छोटा था तब भी बहुत बहादुर था। मैं बचपन से ही बहादुर हूँ, और ये टैंक तो बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। एक काम करता हूँ, ये टैंक ही जाके ले लेता हूँ, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। जल्दी से जाता हूँ और इस टैंक में घुस जाता हूँ। बाहर निकल, इसको तो बाहर निकाल लिया, अब जल्दी से जाता हूँ। अब मुझसे बच के दिखाओ, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से, तुम्हारे हथियार से तुमको मार दूंगा। ये ले, तू भी ले, कैसे भी करके इन सबको यहीं पे मार देता हूँ। एक और गाड़ी आ गई, इसको भी फोड़ता हूँ, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अरे अरे ये क्या हो गया, जल्दी से कूदता हूँ, मुझे लगता है ये टैंकर फटने वाला है। निकलो गाड़ी के बाहर और मरो मेरे हाथ से। एक काम करता हूँ, ये गाड़ी लेके जाता हूँ आगे, जल्दी जल्दी अपनी माँ को ढूंढता हूँ इससे पहले कि और ज्यादा जन आए। अरे ये लोग तो मेरे पीछे पीछे आने लग गए। हमारे किंग कॉन्ग ने काफी बहादुरी से इनका सामना किया, पर वो अकेला किस किस को मारता, इसलिए उसने एक फैसला किया कि इन सबको छोड़ के जल्दी से अपनी माँ के पास जाता हूँ। और फाइनली उसने अपनी माँ को ढूंढ ही लिया। अब देखते हैं आगे। अरे ये रही मेरी मम्मी, पहले इन लोगों को मार देता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ अपनी मम्मी के पास। मम्मी मैं आ रहा हूँ, इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये ले, दूर हो जाओ मेरी माँ से, भाग जाओ सारे के सारे। अरे ये कौन आ गया, इसने तो मुझे उठा के फेंक दिया, इतनी बड़ी चीज क्या है ये? अरे अब ये क्या आ गया? ये एक मेका गॉडज़िला था जो कि आर्मी वालों ने बनाया था। अरे अरे छोड़ दो मुझे, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो मुझे मारता ही जा रहा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। गाइस यार किंग कॉन्ग की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है, जल्दी से इसके लिए एक लाइक कर दो ताकि किंग कॉन्ग को थोड़ी एनर्जी मिले। मेरा पीछा छोड़ दो। किंग कॉन्ग तैयार तो था पर ऐसी चीज के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इतनी मार खाने के बाद भी वो डटा रहा। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है। रुको बेटा, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ, दूर हो जाओ मेरे बेटे से। अरे ये क्या हो गया, ये तो मेरी मम्मी को मार रहा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुम गए मेरे हाथ से। मम्मी संभल के, इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मम्मी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। बेटा तुम्हें जाना ही पड़ेगा, मैं इसे ज्यादा देर नहीं संभाल पाऊंगी। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरी मम्मी के साथ। अरे ये मेका गॉडज़िला तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं छोटा था इसलिए कुछ भी नहीं कर पाया। अरे रुक जाओ, इन्हें मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया मेरी मम्मी को। मम्मी उठो, मम्मी प्लीज उठ जाओ, मुझे लगता है इसने मेरी माँ को मार दिया। इन्होंने बहुत गलत किया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। जल्दी से भागता हूँ यहाँ से, नहीं तो ये लोग मुझे भी मार देंगे, और अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मेरी माँ का बदला कैसे लूंगा। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। गाइस यार ये क्या हो गया, मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हुआ था इसकी माँ के साथ। अभी मैं समझा कि सुबह किंग कॉन्ग इतना उदास क्यों था। इतनी कोशिशों के बावजूद भी किंग कॉन्ग अपनी माँ को बचाने में असफल रहा, उसने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, पर होनी को कौन टाल सकता है। इस तरह किंग कॉन्ग अपनी माँ की यादों को अपनी आंखों में समेटे और उनके मौत के बदले की भावना अपने दिल में लिए वहाँ से चला गया। उसके बाद किंग कॉन्ग एक खुफिया जगह पे चला गया जो कि एक गुफा थी। उसमें किंग कॉन्ग ने 25 साल इंतजार किया जब तक कि वो उस काबिल ना हो जाए कि वो अपनी माँ का बदला ले सके और उस मेका गॉडज़िला को हरा सके। देखते ही देखते काफी वक्त बीत गया पर हालात वही के वही थे। अगर कुछ बदला था तो वो थी किंग कॉन्ग की उम्र और उसकी हाइट जो कि काफी लंबी हो चुकी थी। अभी भी उसकी आंखों में वही प्यार था और वही नफरत। अब आता है कहानी का तीसरा चरण जो कि है बदला। तैयार हो चुका था किंग कॉन्ग अपनी आंखों में ले खूनी ज्वाला, जा रहा था अपनी माँ का बदला लेने, था जाने क्या होने वाला। भड़क उठी थी आंधी, आने वाला तूफान था, उसे बस पाना अपनी माँ का सम्मान था। अरे वाह क्या बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। काफी तारीफें हो गई खुद की, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेका गॉडज़िला में आ रहा हूँ, आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे और उन आर्मी वालों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं शहर में पहुँच चुका हूँ, अब जल्दी से कैसे भी करके उन्हें ढूंढता हूँ। अरे हमारा किंग कॉन्ग तो काफी ज्यादा ही बड़ा हो गया, काफी गुस्से में लग रहा है। लोग नहीं रहा, मैं गुस्से में था। मेका गॉडज़िला कहाँ पर हो तुम, मेरे सामने आओ, आज किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इन इंसानों ने
ही मेरी माँ को मारा था। कोई इंसान अच्छा नहीं है। अब मैं पहले जितना कमजोर नहीं रहा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। ये ले, और कौन है, ये लो तुम भी लो। अरे हटो यहाँ से। अरे मेरे गोडजिला तो आ गया। तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। अच्छा तो फिर ये लो, ये खाओ। और ये तो पहले से भी ताकतवर हो गया, तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये ले, आज तो तू मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं बचने वाला। तेरी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। आज तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग फेंक दूंगा। कहाँ पर एक आया, सामने आ। ये आया, ये लो। तुम कुछ भी कर लो, आज ना तो मैं भागूंगा ना तुम्हें छोड़ूंगा। तुम्हें तो मैं यही का यही जमीन में गाड़ दूंगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसी बात है तो ये लो। किंग कॉन्ग तो पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। इस बार मुझे लगता है ना वो मेका गॉडज़िला को नहीं छोड़ेगा। अरे छोड़ना भी नहीं चाहिए, अपनी माँ का बदला लेके रहना। तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे, तुम्हारे आने से सब बिगड़ गया। इस चीज का बदला मैं लेके रहूंगा। तुमने मेरी जिंदगी खराब की है। ये ले, ये भी ले। तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से, मैं तुम सबको खत्म करके रख दूंगा। मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा है, तू तो गया मेरे हाथ से। मुझे लगता है ये मर चुका है। इस तरह किंग कॉन्ग ने अपनी माँ का बदला लिया और दिखा दिया दुनिया को, जैसी करनी वैसी भरनी। किंग कॉन्ग ने बदला तो ले लिया था, पर वो अभी भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता नहीं था उसकी माँ कहाँ पर है। आगे क्या होता है किसी को नहीं पता, इसलिए देखते रहिए। अरे किंग कॉन्ग, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ था। शिनचैन, मुझे तो अभी भी अपनी माँ का इंतजार है। क्या मैं उन्हें कभी देख पाऊंगा? अरे हम देख सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, रुको अभी फ्यूचर में जाके बताता हूँ। गाइस, क्या आप लोग भी एंडिंग देखना चाहते हो? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। ये हम चले। अब आता है किंग कॉन्ग की कहानी का आखिरी चरण, कमजोर दिल वाले ना देखे, क्योंकि ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। तो अपने दिल पे हाथ रख के तैयार हो जाए। आखिर में मैंने इतने सालों बाद मेरी माँ को ढूंढी लिया। भगवान मेरी माँ की आत्मा को शांति दे। माँ अब तू खुश है ना? मैंने उन सबसे बदला ले लिया है जिसने तेरे साथ ऐसा किया। मैं भी काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, कुछ दिनों में मैं भी तेरे पास आ जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैं आ रहा हूँ माँ तेरे पास। अगर मैंने थोड़ी देर और ये देख लिया तो आपका तो पता नहीं, पर मैं रो दूंगा। किंग कॉन्ग की आंखों में आंसू देख के ऐसा लगा कि आसमान भी रो पड़ा। ऊपर से मीटियर शावर होने लगी। ये दृश्य देख के ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया ही खत्म होने वाली हो। तो ये थी किंग कॉन्ग की दुख भरी कहानी। अगर आप भी किंग कॉन्ग के साथ हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके हमें बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। अरे किंग कॉन्ग की कहानी तो बहुत ही इमोशनल थी। हाँ यार, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। किंग कॉन्ग खुश हुआ, इसका मतलब किंग कॉन्ग अपनी माँ को देख पाएगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।